जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Aap sabne vishram kar liya? अभी और भी थोड़े भक्त आए हैं बचे हैं कई भक्त नहीं आए हैं ऐसे दिख रहा है थोड़े मंदिर में हैं कोई बुला सकते हैं उनको सबको मंदिर में थोड़े भक्त थे अभी तो शुरू कर लें ऐसे नहीं करें तो फिर जो समय पे आए हैं उनको दंड होता है हरे कृष्णा हमने सोचा था कि गोदावरी के तट पे घाट पे बैठ के हम कथा करेंगे लेकिन वहाँ की परिस्थिति तो आपने देख ही ली होगी और शायद ये कहना होगा कि सुन लिया होगा आपने देखिए कितने दुख की बात है कि भारत की ये हालत है वो भी दक्षिण भारत में और वो भी ऐसे स्थानों में अति परिचयाद अवज्ञा इस विषय पे हम कह रहे थे ना एक दो दिन पहले यहाँ ऐसे पावन स्थान में रहने के बाद भी इनको पता नहीं चलता है कि इस स्थान का महत्व क्या है गोदावरी नदी है क्या या और क्या आध्यात्मिक महत्व है इस स्थान का भक्तों ने जाकर बहुत प्रयास किया उनसे निवेदन करने के लिए कि उनके संगीत संगीत तो नहीं कह सकते इसको एक बहुत अच्छा शब्द है संगीत वो जो बजा रहे थे उसके लिए फिर भी उनका व्यापार या उनका व्यवसाय इस पर निर्भर है ऐसे ही लोग आकर्षित होते हैं वहाँ और इसी तरह के रजोगुणी तमोगुणी मनोरंजन और जीविका के साधन लोग अपना रहे हैं इसलिए बहुत कुछ करना है हमें जैसे प्रहलाद ने कहा था और जैसे कि हम महाप्रभु के शिक्षाओं की चर्चा कर रहे थे जो कि उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था कि न केवल स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो निरंतर परंतु साथ साथ अन्यों को भी कृष्ण का उपदेश कहो अन्यों तक ये पहुंचा दो ये प्रचार का आंदोलन है केवल हम निजी अपनी साधना करेंगे और कुछ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मदद नहीं करेंगे फिर ये भगवान को इतना प्रिय नहीं है दूसरी ओर हम केवल दूसरों तक कृष्ण का संदेश पहुंचने का प्रयास करेंगे परंतु स्वयं अपनी साधना नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वो शक्ति कहाँ से मिलेगी हमें दूसरों के हृदय को परिवर्तित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त शक्ति कृष्ण शक्ति विनना है तार प्रवर्तन जब तक कृष्ण शक्ति का संचार किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं होता है तब तक वो भगवान का यंत्र नहीं बन सकता है क्या निमित्त नहीं बन सकता है इस संसार में उनके आंदोलन को फैलाने के लिए तो दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है हमें अपनी निजी साधना को मजबूत बनाना है साथ साथ में एक त्याग भावना रहनी है कि केवल अपने उद्धार की बात नहीं है ये हमें अन्यों के बारे में भी सोचना चाहिए और जिस तरह से
पतन यहाँ भारत के लोगों का हो रहा है, शायद बाहर नहीं हो रहा है। और गलती यहाँ के लोगों की ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए दंड भी यहाँ ज्यादा मिलेगा। ये सही है, जिनको बहुत दिया गया होता है उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है, और जब वो जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो दंड भी उतना ही मिलता है। जैसे बच्चा कुछ कर लेता है तो लोग इतने गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे करेगा तो बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। और यदि कोई कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका बहुत ऊंचा पद है समाज में आदि, वही कार्य करेगा तो और भी गंभीरता से इस बात को लिया जाएगा। तो उसी तरह से इस संसार, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं पृथ्वी लोक पर कि भारतवर्ष के लोग सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इसलिए कि उनको सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ अर्थात सब कुछ, जहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति है वहाँ आर्थिक बल, आर्थिक विकास, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। परंतु जब आर्थिक विकास की खोज में हम धार्मिकता और आध्यात्मिकता को भूल बैठते हैं, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, तो इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा, और हम देख ही रहे हैं। और इस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की कि वो क्या नहीं करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी जिस तरह से लोग ऐसे स्थानों में जाके शराब पीते हैं, तरह तरह के नृत्य करते हैं, ऊंची आवाज़ में तरह तरह की बातें करते हैं, और खाना पीना मौज करना यही उनके लिए सब कुछ है। वो सोचते हैं ये प्रगतिशील जीवन है। और ये जो भक्ति वगैरह है, मंदिरों में जाना, वैसे तो आध्यात्मिक ज्ञान तो है नहीं, नहीं पाना चाहते हैं, और मंदिरों में जाते भी हैं तो बस एक औपचारिकता के रूप में जाते हैं, या तो फिर भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि हमें कुछ धन दे दो। एक व्यवसाय भगवान के साथ है। तो ये सही ज्ञान को देना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत पे आधारित जो ज्ञान है, इसको फैलाना समाज में, समाज के सबसे सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये एक आपातकालीन परिस्थिति है, इमरजेंसी। इसलिए हम में से जो भी कृष्ण भक्ति में रुचि रखते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन से जुड़ें। और किस तरह से जुड़ें? केवल बस थोड़ा बहुत हमने जप कीर्तन कर लिया, एक आध बार कोई सेवा कर लिया, बस नहीं, समर्पित भाव से। समर्पित भाव का मतलब है कि जो इस आंदोलन के लिए आवश्यक है और जो हमारे लिए इस समय संभव है, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से प्रचार कार्य में और आंदोलन के अन्य कार्यों में हमें शामिल होना चाहिए। प्रचार कार्य का केवल ये मतलब नहीं है कि हम किसी मंच पर बैठ के धुआंधार कोई प्रवचन भाषण दे रहे हैं, ये तो एक प्रकार का कार्य है। जो भक्त अपने घर में रह के अच्छी साधना करते हैं, अपने पड़ोसियों को कुछ कहते हैं, अपने रिश्तेदारों को कुछ कहते हैं, अपने मित्रों से कुछ कहते हैं, मंदिर की सेवाओं से, आंदोलन के कोई कार्यों से किसी न किसी तरह से जुड़ जाते हैं, कोई सेवा करते हैं, ये भाव लेकर कि हमें किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को बढ़ाना है, कृष्ण भक्ति तक सबको पहुँचाना है, क्योंकि लोगों की दशा बहुत खराब है, ये भाव लेकर जब हम कार्य करेंगे और जो भी प्रभुपाद ने बताए हुए नियम आदि हैं उनको पालन करने का प्रयास करेंगे, तो फिर अवश्य श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा भी अवश्य मिलेगी, और इस जीवन के अंत में हमें लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा भाव
होना चाहिए। तो खैर यहां ये भी एक तीर्थ स्थान है वास्तव में, परंतु तीर्थ स्थानों में सबसे ज्यादा प्रभाव बिगड़ा हुआ है, जो वातावरण बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी देखिए यहाँ पे इस तरह का मंदिर का निर्माण करना, ऐसे जमीन समुद्र नदी के तट पे मिलना साधारण बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि भारत में बहुत कुछ होता है जमीन के संदर्भ में वास्तव में, परंतु यहाँ ऐसे मिल गया, ये चमत्कार है और ये यहाँ के भक्तों के का श्रेय है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ भी प्रचार प्रसार बढ़ता रहे, अधिक संख्या में भक्त बने, और जो भक्त बने तो अंदर से सब मजबूत रहें, न कि हमारे आपस में ही मतभेद होते रहें और एक हम एकजुट होकर कार्य नहीं करें तो फिर क्या लाभ। तो हमारे मंदिरों में, भक्त समाजों में भी बहुत अच्छे तरह से साधना करने की आवश्यकता है, एकजुट होकर मिलजुल कर सहयोग की भावना से कार्य करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये बस बाहर की दशा देखकर कुछ दो शब्द कहने के लिए प्रेरित हुए हम। अवश्य आपके मन में भी ऐसे ही विचार आए होंगे पिछले आधे एक घंटे में जब हम वहाँ थे, तो आप में से कितने भक्त वहाँ पहले गए घाट पर और कितने भक्त सीधे यहाँ आए आप? तो जो भी घाट में गए आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो खैर यह तो इसलिए तो कलयुग है, इसलिए तो महाप्रभु आए हैं सबका उद्धार करने के लिए। तो खैर फिर भी धाम धाम रहता है, पवित्र स्थान पवित्र ही रहता है, भले बाहर के लोग आके कुछ भी क्यों ना करें, हम आके यहाँ का सही लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से इस स्थान की शक्ति भी बढ़ जाएगी। और हाँ, कल जाएंगे हम सैर के लिए नदी में नौका विहार, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से को देखते हुए और अन्य विषयों को देखते हुए केवल 15 मिनट की सैर होगी, 1 घंटे की नहीं हो पाएगी, और वो भी सुबह कल 6:30 बजे। ठीक है, तो सुबह सुबह यहाँ 15-15 मिनट की सैर नदी में हम कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो गोदावरी की जब चर्चा हो रही है तो सुबह को हम बता रहे थे आपको एक स्थान के बारे में जिसका नाम है भद्राचलम। आप में से कितने भक्त भद्राचलम गए हुए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। मोबाइल फोन जिनके बजेंगे उनको दंड मिलेगा अभी क्या दंड देना चाहिए जिनका मोबाइल फोन बजेगा? पता है वृंदावन में हमने ऐसे एक बार कथा कर रहे थे भागवत कक्षा में, तो वहाँ गौशाला के भक्त आए थे हमें कि यहाँ थोड़ी पैसे की कमी है, गौशाला के लिए कुछ चाहिए, तो हमने कहा चलो भागवत क्लास में बैठो हम दिला देते हैं। तो बैठे तो हमने घोषणा की प्रवचन के पहले कि देखिए मुझे पता है कि मोबाइल फोन बजने वाले हैं, तो ये बताओ कि गौशाला के हमारे भक्त रसीद की किताब लेकर बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोन बजेगा उनको 500 रुपये देने होंगे गौशाला के लिए। और मैंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि इस घोषणा के बावजूद थोड़े फोन बजेंगे, और बजे, अच्छा खासा उनको मिल गया उस दिन के लिए। तो खैर भद्राचलम के बारे में भले आप न गए भी नहीं हो लेकिन सुना कितने भक्तों ने है, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, तो अनेक भक्तों ने नहीं सुना है, तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। मैं भी नहीं गया हूँ वास्तव में भद्राचलम में, जाने की बहुत इच्छा थी परंतु कुछ ऐसे समय की कमी हो गई और जाने आने की तकलीफ इत्यादि, परंतु हम हृदय से वहाँ आज जाएंगे आने वाले 1 घंटे में।
तो भद्राचलम ये स्थान है लगभग यहाँ राजमहेंद्री से 180 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पे है, खम्मम जिला है वहाँ का, और एक छोटे से पर्वत पर यह स्थित है। मंदिर है वहाँ भगवान श्री रामचंद्र का, और जिस तरह श्री रंगम में रंगनाथ जी की सेवा होती है, उसी प्रकार से उसी पद्धति से यहाँ भी सेवा होती है। वहाँ श्री राम के विजय मूर्ति बाहर है और अंदर गर्भगृह में वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, और चतुर्भुज रूप है उनका। वैसे भगवान श्री राम जो राम तो द्विभुज अवतार हैं, परंतु इस मंदिर में हम देखते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में हैं। दो कर कमलों में उन्होंने धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, और दो में शंख और चक्र। तो ऊपरी हाथों में दाहिने हाथ में उन्होंने शंख लिया हुआ है, और बाएं ऊपरी हाथ में चक्र, और नीचे ये दो हाथ हैं उनमें उन्होंने धनुष और बाण लिया हुआ है। तो सीता देवी उनके साथ में है, और उनकी बाएं तरफ लक्ष्मण है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और हालांकि वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, काफ़ी दूर है, फिर भी बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, खास करके आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोग बहुत जाते हैं। थोड़े ही साल पहले जब इस संयुक्त आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, दो राज्य बन गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मैंने ऐसे सुना था कि भद्राचलम के बारे में दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ, कि इन्हें एक दोनों कह रहे थे भद्राचलम हमारे राज्य में होने चाहिए। तो चलो, किसी अच्छी बात के लिए तो झगड़े कम से कम। अंततः तेलंगाना में ये भद्राचलम चला गया। तो खैर, यहाँ पर और बहुत सारे मंदिर भी हैं पास आसपास में। इसका इतिहास इस प्रकार से है कि बहुत साल पहले यहाँ भद्र नाम के एक ऋषि रहा करते थे, और उनकी इच्छा थी कि भगवान राम मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मेरे सर पर बैठें, क्योंकि वो पर्वत रूप में थे और उन वो पुत्र थे मेरु पर्वत के, उनकी माता थी मेनका। ऐसे बताया जाता है कि सत्य युग आदि में पर्वत भी उड़ते थे, उनके भी पंख हुआ करते थे, फिर इंद्रदेव ने पंख काट दिए अपने वज्रास्त्र से। कभी कभी पत्थर भी इसी ऐसे होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, आत्मा होती है, और ऐसे विशेष पत्थरों से ही विग्रह बनाए जाते हैं। तो ये भी एक कला, एक विज्ञान है। शिल्पशास्त्रों में ऐसे सब बताया हुआ है कि किस पत्थर से विग्रह बनाए जाने चाहिए। जैसे मायापुर में जो भगवान नरसिंह देव का की मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर को खोजने के लिए काफ़ी समय लगा, क्योंकि काफ़ी परीक्षा करनी पड़ती है समझने के लिए कि ये जीवित पत्थर है या नहीं। हम साधारण लोग ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि ये साधारण पत्थर है, किस तरह का पत्थर है। ये भी एक योनि है जिसमें कि चेतना तो बहुत ज़्यादा ढकी हुई होती है। तो साधारणतः जब हम देखते हैं तो पत्थर एक समान लगते हैं हमें, परंतु अंतर होता है। और कभी कभी पहाड़, पूर्व युगों में पहाड़ भी ऐसे हुआ करते थे, और उनके अधिष्ठाता देव भी हुआ करते थे। तो जब यहाँ श्री रामचंद्र त्रेता युग में अवतार लिए थे, तो वनवास पे आए, दंडकारण्य में रहे, पंचवटी में काफ़ी समय तक गोदावरी के तट में रहे, फिर चलते चलते यहाँ आ गए। और बताया जाता है कि लगभग उसी स्थान में भद्र वहाँ पे थे, भगवान श्री राम ने उनका परिवर्तन एक पहाड़ या एक पत्थर के रूप में कर दिया, और उनकी इच्छा थी कि भगवान राम की कृपा उनके ऊपर हो। तो खैर, भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो अभी सीता को ढूंढने जा रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा व्यस्त हूँ,
लेकिन रावण की हत्या करके जब मैं लौट जाऊंगा तो अवश्य मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। अब भद्राचलम से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है पर्णशाला। ऐसे बताया जाता है कि पर्णशाला में रावण ने सीता देवी का अपहरण किया था। तो वही स्थान जहाँ की श्री रामचंद्र उस सोने के मृग के पीछे भागे, बहुत सुंदर मृग के पीछे भागे और लक्ष्मण से कहा कि सीता का देखभाल करो, मैं शीघ्र ही आया। तो ये सारी कथाएं, फिर रावण आए, एक साधु के रावण साधु का वेश पहन के आया और सीता देवी का अपहरण करके ले गया। तो ये घटना जो है ये पर्णशाला में हुई थी भद्राचलम के पास। तो राम फिर चलते चलते सीता की खोज में आए, तब लगभग उस भद्राचलम प्रांत में ये भद्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। बहुत अनेक वर्षों से वो प्रार्थना करते आए थे कि कब भगवान श्री राम की कृपा मुझ पर होगी, और दर्शन हुआ तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। वैसे ये भी बताया जाता है कि श्री राम से मिलने के पहले भद्र ने नारद मुनि की कृपा प्राप्त की और नारद मुनि ने उन्हें राम तारक मंत्र दिया था जप करने के लिए। तो राम तारक मंत्र का निरंतर जप करते, तपस्या करते भद्र, और ऐसे कई वर्ष बीत गए। गोदावरी के तट पे वो बैठ के ऐसी तपस्या करते। देखिए जिन स्थानों में बड़े बड़े साधुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने अपनी तपस्या की है, सेवा की है भगवान की, वो स्थान बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं। और इसके विपरीत जो होता वो भी सही है। जैसे यदि किसी स्थान में बहुत पाप हो रहे हो, लोगों की चेतना वहाँ अच्छी नहीं है, तरह तरह के गलत काम वहाँ लोग करते हैं बड़े पैमाने पर, और वो लोग चले भी जाएं तो उनके जाने के बाद भी उस स्थान में उनका प्रभाव रह जाता है, इतने आसानी से जाता नहीं है। अभी जैसे आप यदि किसी नए घर में जाएं, समझ लीजिए आप कोई दूसरा मकान खरीद रहे हैं, अभी आपको पता नहीं कि कौन इसके पहले इस घर में रह चुका है और उसके पहले भी कई और लोग रह चुके होंगे, और वहाँ पर उनके कार्य कैसे हुए होंगे पता नहीं। तो इसलिए घर का शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वास्तु शांति करते हैं, ये सब क्यों करते हैं, ताकि जो पूर्व यहाँ रहने वाले सब लोग हैं जिन्होंने न जाने कैसे कैसे कार्य यहाँ किए होंगे, उनकी चेतना कैसी होगी क्या पता। तो ऐसे गलत प्रभाव से मुक्त होने के लिए ऐसे संस्कार आदि किए जाते हैं। तो हर स्थान में लोगों के कार्यों का, चेतनाओं का जो फर्क, एक प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह से, अरे इसकी बात दूर रही, किसी कुर्सी पे कोई बैठ गया ना, तो उस कुर्सी में उस व्यक्ति का चिन्ह रह जाता है, हल्का सा प्रभाव रह जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो अनेक संप्रदायों में सन्यासी है ना, हमारी संस्था में तो खैर हम लोग इतने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हम लोग इतने कट्टरता से पालन नहीं करते हैं जितने कि अन्य संप्रदायों में करते हैं, थोड़े अन्य संप्रदायों में, कि वो किसी साधारण कुर्सी पे भी नहीं बैठते, अपने अपने कपड़े को लेके जाएंगे साथ में, अपना आसन होगा, चाहे वो कुछ घास का होगा या किसी और शुद्ध वस्तु का बनाया हुआ होगा, अपने दरी या आसन लेकर जाते हैं। हम लोग तो सब जगह बैठते हैं, सब जगह उठते करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी लोगों का प्रभाव रहता है, किसी व्यक्ति के पास भी जाते हैं तो उनका प्रभाव रहता है। इसलिए किसके साथ, किसके निकट हम रहते हैं, किसके संग में हम बार बार उठते बैठते हैं, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, भले वो एक शब्द भी हमसे न कहें, भले वो हम उनको पहचाने या न पहचाने। तो ये सब चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं, परंतु क्या किया जाए, आजकल के दुनिया में रहते समय
किसी को नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, किसी को बाजार जाके कुछ खरीदना है, प्रचार करने के लिए भी हमें जाना है, तो इन चीज़ों से दूर तो हम नहीं रह सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी साधना हम बहुत अच्छी तरह से करें ताकि इन गलत प्रभावों से हम बच के रहें। कहाँ कहाँ से गलत प्रभाव आएंगे और किस तरह से आएंगे हम कह नहीं सकते, परंतु आएंगे अवश्य। तो हरि नाम संकीर्तन करके, कृष्ण कथा का जप करके, श्रवण करके, भगवान की सेवा आदि करके हमें अपने आप को ऐसे शक्तिशाली बनाना चाहिए। जैसे जब कोई बीमारी होती है बाहर, तो डॉक्टर के पास जाके हमें कोई इंजेक्शन वैक्सीनेशन लेना पड़ता है जिससे कि हम बच जाएंगे उस बीमारी से, तो इसी तरह से बाहर के प्रभाव से बच जाने के लिए ये इंजेक्शन हरि नाम और हरि कथा का हमें समय समय पर लेना चाहिए। और यदि किसी स्थान में कोई संत रह जाते हैं तो पीढ़ियों तक, हजारों वर्षों तक कभी कभी उनका प्रभाव वहाँ रह जाता है। और जो व्यक्ति उस स्थान में जाता है, यदि वो उसकी बुद्धि थोड़ी बहुत भी सूक्ष्म हो, वो तुरंत प्रभाव का अनुभव कर पाएगा। और इसलिए संसार अभी तक चल रहा है क्योंकि इतने संत हुए हैं इतिहास में, आज भी हैं, और इसलिए न जान कितने पाप हो रहे हैं फिर भी दुनिया चल रही है। ये केवल एक भक्त कहीं बैठ के कुछ करें तो इतना प्रभाव होता है। तो वहां पर गोदावरी के तट पर बैठ के भद्र ऋषि तपस्या कर रहे थे, और कितने सारे भक्त और ऋषि मुनि रहे होंगे जो इतिहास में गोदावरी के तट पे बैठ के जिन्होंने सेवा की होगी, तपस्या की होगी, और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे, बलराम जी भी 5000 वर्ष पूर्व अपने तीर्थ यात्रा में भी यहाँ गोदावरी के तट पे आए थे। तो इनका प्रभाव रहता है, इसीलिए तो ये पुण्य भूमि कहलाती है भारतवर्ष। तो खैर, वहाँ पे काफ़ी समय से राम तारक मंत्र का उच्चारण करते 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 समय बीत गया और श्री राम वहाँ आखिर आ ही गए। तो राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा, सीता देवी को रावण के राज्य से छुड़वाकर मैं आ जाऊँगा। परंतु आपको पता है कि युद्ध अर्थात क्या होता है, किस तरह से व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। तो भगवान श्री राम तो मनुष्य समाज में लीला कर रहे हैं ना, तो वहाँ गए युद्ध में, इतने सारे भयंकर घटनाएं हुई और अंततः श्री राम जीत गए, रावण का वध हुआ, कुंभकर्ण इत्यादि सब मारे गए, और फिर पुष्पक विमान श्री राम को मिला अयोध्या वापस लौटने के लिए। 14 वर्ष बीत गए थे, तो वो सीधे लंका से जब समुद्र पार करके वापस आए दक्षिण भारत में, तो वहाँ से सीधा वो चले गए अयोध्या। भद्राचलम में नहीं रुके, उस स्थान में जहाँ की भद्र ऋषि थे भूल गए, अरे कि मैंने बताया था भद्र ऋषि से कि मैं यहाँ आके कृपा करूँगा इनके ऊपर, तो भगवान भूल गए, चले गए वापस। अब भद्र ऋषि को पता चला कि युद्ध तो समाप्त हो गया है शायद, भगवान ने बचा लिया, लेकिन भगवान आए नहीं। खैर, फिर से अपने आप को तपस्या में स्थित किया भद्र ऋषि ने, और तीव्रता से अपना जप तप आदि करने लगे, और समय बीत गया। फिर भगवान राम को अयोध्या में याद आया। वैसे वैकुंठ में भगवान सोचने लगे कि अरे रामलीला भी समाप्त हो गई। अब वैकुंठ में भगवान सोच रहे थे, अरे भूल गया था मैं, वो मेरे भक्त बैठे हैं भद्र, जिनके पीछे वो पहाड़ का नाम आया भद्राचलम, अचल अर्थात पर्वत, भद्रगिरी या भद्राचलम अचल। अरे मैं तो भूल गया, भद्र के ऊपर कृपा करनी थी मुझे, लेकिन मैं जल्दी में अयोध्या लौट के आया, फिर अयोध्या आया वहाँ सब राज को संभालने में इसमें मैं लग गया, और बेचारे इनके बारे में भूल ही गया, अब क्या करना चाहिए मुझे। तो अब वैकुंठ तो चले गए थे भगवान, अब भगवान विष्णु रूप में, उन्हें सोचा जल्दी जल्दी मुझे जाना होगा, जैसे ही याद आया बस तुरंत वैकुंठ से चले आए।
और जब वैकुंठ से चले आए तो भूल गए कि राम अवतार दो हाथों के अवतार होते हैं। जल्दी में आए ना, जल्दी जल्दी भाग के आए, भूल गए कि भाई दो हाथ छोड़ देने हैं पीछे, द्विभुज रूप धारण करना है, भूल गए, तो चतुर्भुज रूप में चले आए। और ऐसे ही भद्र ऋषि के सामने खड़े हुए, और तो भद्र ऋषि ने प्रणाम किया, और फिर भद्र ऋषि के उद्धार के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए फिर वो वहीं पे रहे। और फिर अपने आप को उन्होंने विग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो सीता देवी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में थे, और तीनों ही वास्तव में पश्चिम की ओर देख रहे हैं, गोदावरी की ओर। और ऐसे भी बताया जाता है कि जैसे पर्णशाला में अपहरण किया रावण ने सीता देवी का, और उसके बाद चलते चलते जब श्री राम आए थे तो गोदावरी को पार किया लगभग उस स्थान में जहां अब भद्राचलम है, तो ऐसे भी बताया जाता है। तो खैर, अभी वहां उस मंदिर के ऊपर सुंदर मंदिर है, भगवान के विग्रह वहां स्थापित हो गए, और भद्र ऋषि उनकी सेवा करते रहे। वो तो पर्वत के रूप में थे अभी, तो उनके उनकी इच्छा पूरी हो गई कि मेरे सर के ऊपर भगवान रहें, तो भगवान उनके ऊपर विराजमान हैं विग्रह के रूप में। तो खैर, ऐसे कई साल बीत गए, हजारों हजारों साल बीत गए, युग बीत गए, और कलयुग आ गया। कलयुग में एक बार हुआ ये कि उसी इलाके में रहने वाली एक आदिवासी महिला थी जिनका नाम था पोकला दमक्का, और उनके सब स्वप्न में भगवान श्री रामचंद्र आए, और उन्होंने कहा कि अरे देखो, मैं यहीं पे पास में हूँ और मेरे विग्रह वहाँ पे हैं, और देखो मुझे वहाँ से निकालो, क्योंकि बहुत साल बीत गए हैं थे उस समय, हो सकता है मंदिर कुछ था नहीं भद्र ऋषि के समय के बाद, तो इतने सालों में न जाने क्या क्या हो चुका होगा। तो फिर ये थोड़े अपने साथियों को, गांव वालों को, एक दो कुछ लोगों को लेकर गई होंगी अंदर जंगल में। तो जंगल में गई और जिस स्थान में भगवान ने इशारा किया था स्वप्न में, उसी स्थान में उनको श्री राम सीता लक्ष्मण के विग्रह प्राप्त हो गए। तो उस स्थान को उन्होंने गोदावरी के जल से धो डाला ताकि सारे बालू मिट्टी आदि वहाँ से निकल जाए, और सुंदर विग्रह वहाँ पर प्रकट हुए। तो वो तो बहुत प्रसन्न हो गई। अब देखिए, भगवान श्री राम स्वयं उस महिला के स्वप्न में आए और ऐसा आदेश उनको दिया, इसका मतलब है कि ये कोई विशेष भक्त हुए होंगे ना। किसी साधारण व्यक्ति के मन में तो भगवान ऐसे प्रकट नहीं होंगे और ऐसे आदेश नहीं देंगे, ऐसे उनको निमित्त नहीं बनाएंगे। तो वो भी अपने स्वाभाविक प्रेम से भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियों की सेवा कर रहे थे। ऐसे थोड़ा समय बीत गया। अब हर दिन जब वो जाती थी जंगल में, तो गांव के लोग पूछने लगे कि अरे दमक्का, कहाँ जा रही हो, ऐसे जंगल के अंदर रोज जा रही हो, हम देखते हैं। कहा वहाँ मंदिर है। तो सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि वो सोचते थे कहाँ जंगल में मंदिर है, जंगल में तो कोई मंदिर नहीं है। वो ऐसे सोचते थे, उनको नहीं पता था कि वहाँ दमक्का को विग्रह मिले हैं, और उन्होंने छोटी एक कुटिया बनाई है उनके लिए। पुराने कोई सूखे हुए पेड़ थे, उनको ऐसे बनाकर ऊपर कोई सूखे हुए पन्ने आदि पर्ण आदि डाल के एक ऐसी छोटी सी कुटिया, कच्चा बहुत कुछ घर बना लिया था। बेचारी और क्या करती, जंगल में रहने वाली महिला थी। तो खैर, उसने ऐसे कच्चा कुछ एक बना लिया, और तो वहाँ पे विग्रह स्थापित थे, विग्रह की स्थापित तो नहीं थे, ऐसे रखे थे उस महिला ने, और वहाँ पे सेवा कर रही थी, बड़े भक्ति से सेवा कर रही थी। तो इस तरह से समय बीत गया। और फिर एक बार वहाँ के तहसीलदार थे एक व्यक्ति, उसी प्रांत के, भद्राचलम प्रांत के, जिनका नाम था कंचेरिया गोपन्ना। आगे चल के वो बहुत प्रसिद्ध हुए
रामदास के नाम से, भद्राचलम के रामदास। एक भक्त ने यही आने के बाद मुझे बताया कि प्रभुपाद जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित करने के पहले एक लेख लिखा था भद्राचलम के रामदास के ऊपर, जो उनकी कोई पत्रिका थी उसमें, परंतु हम तो खोज नहीं पाए, हमें ढूंढने का प्रयास किया, हमें मिला नहीं, शायद कहीं मिल जाएगा। हमने उनसे भी कहा कि आप बताइए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इनके बारे में, तो उनके ग्रंथों में तो नहीं है, पर वो कह रहे थे उन्होंने कोई लेख लिखा है इसके बारे में। तो खैर, इनका नाम आगे चल के ये रामदास, भद्राचलम के रामदास के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। तो वो जब आए एक बार, मेला गांव के में कोई मेला चल रहा था और ये महिला भी आई, वो भी गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कितने सुंदर मूर्तियाँ हैं, तो बहुत प्रभावित हुए वो। और उस महिला ने, दमक्का ने कहा कि आप कुछ मंदिर बनाइए श्री राम के लिए, देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं ऐसी छोटी सी कुटिया बना के इनकी सेवा करती हूँ, परंतु आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपके हाथों में बहुत धन आता है। और वैसे आता तो था, क्योंकि ये गोपन्ना जो थे ये तहसीलदार होने के कारण लोगों से कर वसूली करते थे, और वहाँ जो सुल्तान थे, नवाब थे, मुसलमान नवाब थे, उनको कर पहुँचाया करते थे, ये इनकी सेवा थी। एक आध बार हमने वर्णन ये भी सुना है कि उस नवाब ने जजिया कर लगाया था। जजिया अर्थात उस समय जब मुसलमान राजा हुआ करते थे उनके ऊपर विशेष कर लगाते थे जो मुसलमान नहीं थे, जिसको जजिया बोलते थे। तो ये उनके किताबों में होगा कुछ, ऐसे प्रथा उनकी थी, तो वो लगा, शायद जजिया को वसूल करने के लिए उन्होंने गोपन्ना को लगाया, ऐसे कोई लोग बोलते हैं। लेकिन खैर, बात ये है कि कर वसूली का काम करते थे वो। तो जब उन्होंने देखा कि मूर्तियां इतनी सुंदर है, और उन्होंने सोचा कि मुझे अवश्य एक सुंदर भव्य मंदिर बनाना है इनके लिए, और इतना ही नहीं, यहाँ ये बेचारी आदिवासी महिला जो हैं इनकी सेवा कर रही हैं, उनको कुछ साधन नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो फिर जो भी कर्म वसूल किया था उसका इस्तेमाल उन्होंने किया मंदिर का निर्माण करने के लिए। सुल्तान को नहीं दिया, वो पैसे यहाँ ले आए, मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया, और भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनवाए, और इतना ही नहीं, बहुत सारे महंगे सुंदर आभूषण भी बनवाए, तरह तरह के रत्नों के इत्यादि। तो ये सब भव्य मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये गोपन्ना ने मंदिर बनवाया कैसे। और खबर धीरे धीरे सुल्तान के कानों तक पहुंची। सुल्तान निज़ाम का नाम था, उनका नाम था नवाब निज़ाम तानिशाह। तो तानिशाह के कानों तक खबर पहुंची कि गोपन्ना ने कर जो है वो मंदिर के लिए इस्तेमाल किया है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो इनको बुलवाया गोपन्ना को, और कहा कि वो पैसे दे दो मुझे, जितने भी पैसे तुमने खर्च किए मेरे, जो मुझे आने चाहिए थे कर के रूप में, जिनको तुमने मंदिर के लिए इस्तेमाल किया है या जहाँ भी इस्तेमाल किया हुआ होगा, मुझे वो पैसे तुरंत ला के देना, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। अब कहाँ से लाते गोपन्ना इतने सारे पैसे, बहुत बड़ी रकम थी वो जो कि उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग किया था। तो गोपन्ना उत्तर नहीं दे पाए। तो ये गोलकुंडा राज्य हुआ करता था उस प्रांत में, तो वहाँ के ये सुल्तान थे, उनकी पीढ़ी में, उनके वंश में आने वाले थे। तो वहाँ एक किला था, गोलकुंडा किला, आज भी है शायद। तो वहाँ उनको बंद कर दिया, वहाँ कैद खाना था, तो वहाँ उनको बंद कर दिया, और बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ होता रहा कि कब ये पैसे देंगे, क्यों नहीं दे रहे हो पैसे। तो हर दिन कुछ न कुछ मारपीट हो जाती, उनके सैनिक जो है उनको जाके शारीरिक कष्ट देते।
ऐसे बहुत समय बीत गया। एक वर्णन में हमने ऐसे सुना था कि पूरे 12 वर्ष बीत गए। अब 12 वर्ष हुए होंगे या कितना समय हुआ होगा, भिन्न मत है लोगों में, पर खैर जो भी है काफी समय तक वो रहे वहां पर। जो लोग ऐसे कहते हैं कि 12 वर्ष बीत गए हैं, वो कहते हैं कि 12 वर्ष के अंतिम दिन में कोई एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जबकि उस दिन के बाद मृत्यु दंड मिलना था गोपन्ना को। तो खैर समय तो बीत गया और बेचारे उनको इतना कष्ट हो रहा था, ये लोग इतना कष्ट दे रहे थे, कभी मारते कभी कुछ और करते, जैसे हरिदास ठाकुर के साथ कैसे किया था उन्होंने, अनेक बाजारों में जाके प्रहार किया था उनके ऊपर। तो जब सहनशीलता के बाहर बात निकल गई तो उन्होंने एक कविता या गीत लिखना शुरू कर दिया भगवान श्री राम को। तो अभी ये निंदा स्तुति है, निंदा स्तुति या इसका मतलब है कि उन्होंने निंदा के रूप में कही है, लेकिन इन स्तुतियों के द्वारा या इन कविताओं के द्वारा वो वास्तव में व्यक्त करते हैं कि उनका प्रेम कितना गहरा है प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति। तो अपने गीत में उन्होंने ऐसे कई चीज़ें लिखी, तेलुगु भाषा में हैं और हम तेलुगु भाषा तो नहीं जानते हैं, परंतु रेवती रमन प्रभु हैं जो तिरुपति मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे, मैंने उनसे पूछा था कि कुछ बताइए, उन्होंने मुझे बताए थे तो कई साल पहले। तो ऐसी बातें वो कहते हैं गोपन्ना, वो कहते हैं कि देखो इतना बड़ा मंदिर बना है आपके लिए। किसने बनाया? क्या आपके पैसे थे वो? नहीं, आपके खजाने से, क्या अयोध्या के खजाने से लिए? नहीं, मैंने बनवाए। अच्छा, ये अच्छे अच्छे वस्त्र जो आप तीनों पहन रहे हो कहाँ से आए? किसने दिए? पैसे कहाँ से है? मैंने लाए। अब देखो बड़े शान से खड़े हो ऐसे धनुष बाण लेकर, और देखो ऐसे ऐसे रत्नों के आभूषण यहाँ वहाँ सब पहन के खड़े हो, कानों में ये सब कुंडल मोती ये वो, किसने दिए? दहेज में मिले थे? जनक महाराज ने दिए थे क्या? सीता देवी के साथ विवाह हुआ था उस समय? नहीं, मैंने दिए हैं। और जितने भी सारे आभूषण हैं और ये सब कहाँ से? दशरथ महाराज ने दिया था आपको? नहीं। इस तरह से एक एक ऐसे करते कहते 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 फिर कहते ये सब मैंने किया है और देखो इसका दंड मुझे क्या मिल रहा है, आपके लिए इतना सब कुछ किया और इसका पुरस्कार मुझे मिल रहा है कि मुझे यहाँ इतने सालों से गिरफ्तार करके रखा है, हर दिन मेरी पिटाई होती है, मेरा अपमान होता है। और फिर अंत में वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, बहुत कुछ मैं कह गया, परंतु क्या करूं, मार इतनी भारी हो गई मेरे लिए, सहन शक्ति के बाहर हो गई, इसलिए मुझे ऐसे आपके प्रति कहना पड़ा, आप बुरा मत मानिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने गीत भी गाया, बहुत सुंदर गीत है, और प्रभु रामचंद्र के की प्रशंसा में, भगवान के राम के नाम ही है। तो खैर ऐसे जब उनसे डांटा, उन्होंने डांटा ही ना, डांट ही तो है ना, तो भगवान को डांटा उन्होंने। जब डांटा तो उसी रात को, क्योंकि अगले दिन अभी मृत्यु दंड मिलना था, तो उसी रात को जब नवाब तानिशा सो रहा था तो उसके अंदर के कमरे में दो व्यक्ति आए अचानक। तो नवाब तानिशा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बीच रात में ये लोग कौन आ गए और अंदर कैसे आए, पहले तो इतने सारे पहरेदार सैनिक वगैरह खड़े हैं, ये आए कैसे यहाँ पे? आ तो गए, अब बड़े लंबे हट्टे खट्टे थे वो, हृष्ट पुष्ट थे, दिखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो, कैसे आए अंदर? तो मेरा नाम, हम दोनों के नाम है रामो जी और लक्ष्मो जी। हाँ, आज भी यहाँ ये रामो जी लक्ष्मो जी ऐसे नाम इस प्रांत में बहुत से होते हैं, बहुत लोगों को इस तरह के नाम होते हैं। हमारे नाम है रामो जी और लक्ष्मो जी, ठीक है, हो कौन आप?
हम वो गोपन्ना के सेवक हैं. गोपन्ना के सेवक तो क्या करने आओ या, वो तो उसको तो कल मृत्यु दंड मिल रहा है. नहीं नहीं उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पैसे हम लौटाने के लिए आए हैं. तो पैसे उसने तो बहुत बड़ी रकम ली थी, कितने सोने के मोहर आदि हैं, बहुत बड़ी संख्या में. तो हाँ हम सब लाए हैं आपके पास. सामने सारा सब कुछ खोल दिया और रखा, और जब सुल्तान ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इतना सोना, इतने सारे सिक्के वगैरह सोने के मोहर लाए हैं. तो फिर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक नहीं है. खैर सुबह को उठे, उन्होंने सोचा शायद सपना आया होगा मुझे, कि ऐसे थोड़ी होता है, कौन है ये रामो जी लक्ष्मो जी कौन है. फिर उठे, अपने बिस्तर में बैठे, देखा कि वास्तव में वहीं पे सोने के मोहर आदि सब पड़े हुए थे. जितनी रकम गोपन्ना ने मंदिर और के कार्य के लिए इस्तेमाल किए थे उससे कहीं ज्यादा. तो तब उनको पता चला कि ये केवल सपना नहीं था, वास्तव में ये दो रामो जी लक्ष्मो जी आए थे. और फिर ये समझ गए कि ये कौन है, ये वही हैं जिनके लिए गोपन्ना ने मंदिर बनाया है. तो तुरंत जैसे ही उठे, भागते हुए चले गए जेल में, गोलकुंडा के उनके कैद खाने में. और वहाँ चले गए और गोपन्ना के पैरों में पड़े, गिर पड़े और क्षमा याचना की, मुझे भाई क्षमा कर देना, मैं बहुत बड़ी गलती की. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या भाई, क्या क्या परिवर्तन, अचानक ऐसे परिवर्तन देखकर उनको भी आश्चर्य हुआ. नहीं नहीं आपके दो सेवक आए थे. कौन दो सेवक? रामो जी लक्ष्मो जी, ये दो आए थे और सारे सोने के सिक्के जो हैं, मोहर जो हैं, वो सब दे के चले गए. आप कितने बड़े भक्त हो उनकी, इन्हीं के लिए तो आपने मंदिर बनवाया है यहाँ पर. तो ऐसे जब बादशाह ये तानिशाह बहुत प्रशंसा कर रहा था गोपन्ना के, तो गोपन्ना बल्कि उनके पैर में पड़ गया. और उन्होंने थोड़ी देर बाद और एक कविता लिखी भगवान के लिए. उन्होंने कहा देखो आपने तो मेरी ये हालत कर दी, मैंने आपकी इतनी सेवा कर ली फिर भी ये हालत कर दी आपने मेरी, इतने साल जेल में बंद करवा दिए, ऐसे मेरी पिटाई रोज होती रही और आप देखते रहे इतने साल, और इतने साल के बाद आपको कुछ पछतावा हुआ कि कुछ कृपया मेरे बेचारे भक्त के लिए कुछ करना चाहिए, और आपने किया क्या, दर्शन उस सुल्तान को दिया, मुझे नहीं दिया. हाँ फिर उन्होंने वास्तव में उस, जब वो सुल्तान ने कहा कि आप कितने बड़े भक्त हैं, तो गोपन्ना ने कहा नहीं नहीं बड़ा भक्त मैं नहीं हूँ, बड़े भक्त आप हो, क्योंकि भगवान ने दर्शन आपको दिए, मुझे नहीं दिए, मुझे केवल यहाँ जेल में रखा, लेकिन साक्षात दर्शन श्री राम के श्री लक्ष्मण के आपको हुए. वास्तव में सही है. तो ये नवाब भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ होगा ना, भले जो भी था उसका नाम तानिशा नवाब जो भी है, परंतु भगवान उनके सामने आए, उनसे बातें की, उनको सारे सोने के मोहर आदि दे के चले गए. तो ये सब अजीब बातें हैं, हम समझ नहीं पाते हैं इनको. भगवान की लीलाओं में, उनके भक्तों की लीलाओं में कौन क्या है, किसकी क्या सुकृति हुई होगी, कौन कैसे भक्त हुआ होगा पिछले जन्मों में, इन सब चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है. कभी कभी भक्तों की कृपा ऐसी होती है कि भक्तों के वजह से अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाते हैं. तो खैर जो भी है, अब ये इतिहास तानिशाह नवाब का क्या था वो तो हमें नहीं पता. तो खैर आज जो भी आभूषण आदि गोपन्ना ने बनाए थे भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए, उनमें से आज भी वो हैं वहाँ पे. जब हम भद्राचलन में जाएंगे तो स्थान में उनको सुरक्षित ऐसे रखे हैं, दिखाते हैं शायद वहाँ पे. तो ये सुंदर लीला हुई. तो रामदास जो हैं बाद में चल के उनका नाम भक्त रामदासु हुआ. यहाँ तेलुगु भाषा में ऊ लगाते हैं रामदासु,
तो उनका नाम हुआ और उनके रामदासो कीर्तनालो कहते हैं, आप में से जो तेलुगु भाषा बोलते हैं सही है ना, तेलुगु में रामदासो कीर्तनालो ऐसे बोलते हैं कि उनके जो गीत थे उनके जो कीर्तन थे इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं आंध्र में, आंध्र इलाके में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। और आज भी बड़े बड़े उत्सव जब वहाँ होते हैं तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वैकुंठ एकादशी के दिन और रामनवमी के समय वहाँ बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव होता है, तो वहाँ पे कई दिनों तक बड़े बड़े उत्सव होते हैं और सीता राम की का विवाह भी होता है वहाँ पे। और फिर उनको एक हंस नौके में बिठाकर गोदावरी में सैर करने भी ले जाते हैं। बहुत सुंदर उत्सव होते हैं। देखो भक्ति में सब कुछ कितना सुंदर है, कितना आनंद है। हर हर महीने में कोई ना कोई उत्सव होते रहते हैं, तो जीवन ऐसे ही बीतता है, एक उत्सव से दूसरा उत्सव, दूसरे के बाद तीसरा, और बीच में कुछ पैसे कमाने के लिए, घर बार के लिए कुछ कर लिया करना चाहिए। बस उद्देश्य तो है कि ये सब हम करें, ये सही संस्कृति है हमारी, ऐसे वैदिक सभ्यता थी। आजकल दुनिया में दुर्भाग्यवश भगवान तो नहीं रहे केंद्र बिंदु लोगों के हृदय में, और उत्सव मानव प्रिय है, मनुष्यों को उत्सव तो चाहिए। अब जब भगवान के उत्सव नहीं रहते हैं तो फिर ओलंपिक गेम खेलेंगे, फुटबॉल क्रिकेट की क्रीड़ाएं स्पर्धाएं होंगी, वो सब करेंगे, कुछ तो चाहिए ना। एक देश में और हम गए थे, दूसरे देश में, नाम नहीं लेंगे, आखिर अगली बार वहां जाने में हमें रोका नहीं जाए कहीं। आजकल ये इंटरनेट बड़ा खतरनाक है, आजकल इंटरनेट पे जाता कौन सुनता है, कौन उसका क्या कहते हैं, है ना। तो वहां उन्होंने क्या किया था कि लोग बड़े बेचैन से थे ना, क्योंकि भगवान नहीं है तो सुखी कैसे हो सकते हैं। भले आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी हो, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और आप अच्छे ढंग से देश को चला रहे हो, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई चोरियाँ बहुत कम होती हैं, डकैती चोरी ये वो बहुत कम होते हैं, छोटा देश है, परंतु तो उनके पास कोई उत्सव नहीं है। तो उन्होंने एक दिन ऐसे चुना और उसमें उन्होंने घोषणा की कि आज के दिन आप सड़कों में उतर आओ और जितना चाहे उतना आप नाचो, और सड़कों पे वो संगीत वगैरह बजाने की व्यवस्था करते हैं। तो फिर सारे लोग नीचे आते हैं, नाचते रहते हैं संगीत पे, ये यहाँ जैसे कर लेते ना ये लोग ऐसे, ये उनका उत्सव है। भगवान नहीं है तो क्या, कुछ तो चाहिए ना करने के लिए, तो ऐसे सब हो जाता है, विकृत प्रतिबिंब उत्सवों का, विकृत रूप है ये सब। और जो लोग उत्सव मनाते भी हैं, प्रमाणिक उत्सवों को भी मनाते हैं परंतु गलत ढंग से मनाते हैं। अब भारत में भी देखिए उत्सव कैसे मनाते हैं, सिनेमा के गाने बजाएंगे, अभी बंबई जाके देखेंगे गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं, शराब पी के सब सड़कों पे आके महिलाएं पुरुष दोनों ऐसे नृत्य करते हैं, बस देखना मुश्किल हो जाता है, ऐसे देखने से ही कुछ लगता है कि पृथ्वी खुल जाए, अंदर हम चले जाए, ऐसे ऐसे सब होता है ना। और ये उनके लिए धार्मिक कार्य है, सिनेमा के गाने वो भी जोर जोर से बजाएंगे, और कुछ उनको कोई अंदाज नहीं है भक्ति क्या है, धर्म क्या है, उत्सव क्या होते हैं, कुछ नहीं पता। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा उत्सवों को मनाना चाहिए और उत्सवों के सही मतलब को और तात्पर्य को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनको इन उत्सवों में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिरों में जब भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं जैसे जन्माष्टमी आदि, कितने सारे लोग आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात इस्कॉन में जाना है हमें, क्योंकि यहाँ ये लोग बढ़िया मनाते हैं,
बहुत भक्ति भाव से मनाते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ें होती नहीं हैं बिल्कुल हमारे मंदिरों में, कोई सिनेमा के गाने और कोई शराब पी के कुछ करे और कुछ भौतिक चीज़ें हों, वहाँ ऐसे सब नहीं होता है, वो जानते हैं। तो ये आवश्यकता है आजकल के समाज की। तो घरों में भी आप ऐसे उत्सव कर सकते हैं और अपने पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसे उत्सव मनाइए। और ऐसे जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं और मंदिर हैं वहाँ, इनका भी बहुत महत्व है वास्तव में, क्योंकि कम से कम लोग आते तो है ना, इतने दूर दूर से आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भले उनको कोई ज्ञान नहीं हो परंतु श्रद्धा तो है ना थोड़ी बहुत। ये बहुत विचित्र बात है भारत के बारे में, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो तरह तरह के कार्य करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी बताया करते थे कि थोड़ा ऊपर का जो है वो उसको घिसो तो अंदर आपको भक्त मिलेगा, जो आवरण है ऊपर का उसको थोड़ा निकालो, अंदर भक्त ही हैं। लेकिन गलत मार्गदर्शन हो रहा है ये टेलीविज़न सिनेमा ये वो इसके द्वारा, और आजकल के अखबार पत्रिकाएं और आधुनिक पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता है कुसंस्कृति है वो भी इतनी तेज़ी से भारत में आ रही है। यहाँ के लोग अभी स्पर्धा कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा हम आपकी संस्कृति को अच्छी तरह से निभाएंगे। इसलिए कई लोग जब यहाँ रहते हुए भी अभी पिछले 10 साल में कितनी संस्कृति बिगड़ी हुई है, तो हमें चाहिए कि फिर से पुनः भगवान को केंद्र बिंदु बनाएं, इसका प्रचार प्रसार बहुत चलता रहे। बड़े मंदिरों को संभालना भी आसान नहीं है। आप सब जो भी बड़े मंदिरों से जुड़े हुए हैं, छोटे मंदिर से भी आप जानते हैं कि कितनी कठिनाई होती है, खास करके कलयुग में तरह तरह की समस्याएं व्यवस्थापन में आती हैं, तो फिर भी इनका बहुत मूल्य होता है। चाहे बड़ा मंदिर हो छोटा मंदिर हो, हमारे स्थान में चाहे कोई मंदिर न भी हो, अपने घर में हम मना सकते हैं ना, और लोगों को बुला सकते हैं, उनको कुछ प्रसाद खिला सकते हैं, कुछ कथा बोल सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, वो आके भगवान का दर्शन लेंगे। तो कूर्म ब्राह्मण को जो उपदेश दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने, उनका पालन हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर ये है भद्राचलम की कथा थोड़ी बहुत। भद्राचलम ने गोपन्ना ने रामदास ने और दो चार और मंदिरों की स्थापना की, रंगनाथ जी की स्थापना भी की जो श्री रंगम में है, और उन्होंने ऐसे शायद 5 या 10 ब्राह्मणों को वहाँ से बुलवाया श्री रंगम से कि आप यहाँ आके आपके पद्धति के अनुसार यहाँ अर्चना विधि स्थापित कीजिए। तो फिर इसलिए भद्राचलम में अभी श्री वैष्णव संप्रदाय के नियमों के अनुसार वहाँ पर सेवा चलती है मंदिरों में। तो ये जितने भी बड़े बड़े हमारे तीर्थ स्थान हैं, धाम हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनको भी हमें बचाए रखना चाहिए ना, ये हमारी विरासत है, आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत है, हमारी परंपरा है। इसलिए जब भी हम इन स्थानों में जाते हैं थोड़ी बहुत दक्षिणा दान सब जगह थोड़ा बहुत देना चाहिए। हमें पता नहीं है कि ये लोग सही तरह से उपयोग करेंगे या नहीं, पता नहीं। हाँ जब बिल्कुल गलत व्यक्ति है उनको तो नहीं देना चाहिए, जब हमें पता है कि ये दुरुपयोग करेगा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, परंतु ऐसे स्थानों में आशा करते हैं कि व्यवस्थापन कुछ इस तरह से है कि ये लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यदि लोग ऐसे नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, तो ऐसे मंदिर चलेंगे कैसे? और जो ब्राह्मण हैं वहाँ के पुजारी हैं उनको भी थोड़ा बहुत दक्षिणा देना चाहिए। दान और दक्षिणा में अंतर है, दान भगवान के लिए होता है, दक्षिणा ब्राह्मणों के लिए होता है या जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को दिया जाता है उनके लिए होता है। अब समस्या ये है कि धार्मिक स्थानों में जो ब्राह्मण हैं पुराने जमाने की तरह वो तपस्या नहीं करते हैं, साधन भजन नहीं करते हैं, इसलिए जब दान स्वीकार करते हैं, और आप तो जानते हैं कि दान के साथ साथ दानी के कर्म को भी स्वीकार करना पड़ता है,
तो जब ये ब्राह्मण इतने सारे दान को स्वीकार करते हैं विभिन्न प्रकार के लोगों से, इतना सारा कर्म का बोझ उनके सर पे आ जाता है और इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए धामों में तरह तरह के गलत काम करते हैं ब्राह्मण लोग, हर एक धाम में ऐसा होता है, क्योंकि पहले जैसे तपस्वी ब्राह्मण, सरल जीवन, ऊंचे विचार वाले ब्राह्मण बहुत कम रहे, अभी हैं लेकिन कम है। तो जहां हमें, और ऐसा क्यों है, क्योंकि आजकल लोग यही देख रहे हैं कि बस आर्थिक प्रगति कैसी हो, भोग कैसे हो। आजकल पुजारियों को कोई सम्मान नहीं है। जैसे कितने बार उदाहरण होता है कि मंदिर में कोई सेवा करने वाला भक्त हो, उसे शादी, उसकी शादी नहीं होती है। क्यों? लड़की के माता पिता देखते हैं कि कितना कमा रहा है, कोई बड़े कंपनी में नौकरी करता है कि नहीं। मंदिर की सेवा करता है तो कहते हैं, अरे मंदिर की सेवा करता है, हमारी लड़की को कैसे देंगे उनके पास। तो इसलिए लोग मंदिर की सेवा करने से भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि पुजारी का सम्मान नहीं रहा, या कोई मंदिर की सेवा करता है तो उसका सम्मान नहीं रहा आजकल, और आर्थिक अवस्था भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि मंदिर जब संभालेंगे भक्तों को तो कितना उन किस तरह से संभाल सकेंगे, साधारण ही तो होगा। और आजकल जितने भी पुराने पुराने हमारे मंदिर हैं जहां ब्राह्मण हैं, पहले ब्राह्मण जब वास्तव में ब्राह्मण हुआ करते थे, सरल जीवन के होते थे, तो इसलिए उनको कोई परवाह नहीं थी, जितनी दक्षिणा आई आई उससे संतुष्ट रहते थे। परंतु आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी उनको पता नहीं। बच्चा कहेगा, आपने मुझे ठीक से कमाने के लिए कोई तैयारी मेरी नहीं की, तो माता पिता को दोष देते हैं, तो फिर उनको पढ़ाने भेजते हैं, बाहर विदेश में भेजते हैं, यहाँ वहाँ भेजते हैं। हमारे एक संस्था के सन्यासी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बता रहे थे कि एक बार वो किसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में गए, तो वहां के जो मुख्य पुजारी थे वो उनसे मिलने आए। तो बातों बातों में फिर उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, मेरा छोटा बेटा है, वो बड़ा बुद्धिमान है, तो कृपया आप उसे अमेरिका में ले जाइए, थोड़ी उसे नौकरी आप वहां दिलाइए। मेरा बड़ा बेटा जो है वो बुद्धिमान नहीं है, उसे मैंने यहां पूजा के काम में रखा हुआ है। यह परिस्थिति, जो दूसरे काम के लायक नहीं रहा उसको मंदिर में रख दो, सेवा के लिए रख दो, जिसकी थोड़ी बहुत बुद्धि लग रही है उसको विदेश भेजो, अमेरिका भेजो, यहाँ वहाँ भेजो, खूब पैसे कमाएगा। और यही सब है, एक माहौल ऐसे, वातावरण ऐसे बन गया है, ये वातावरण है अर्थ प्रधान, अर्थ के, ये धन की प्रधानता है, क्योंकि मान्यता उन्हीं को मिलती है, सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनके पास धन है। इस कलयुग में लक्षण है, 12वें स्कंद में ऐसे कहा गया है। तो ऐसे ब्राह्मण भी इससे प्रभावित होते हैं, जब देखते हैं कि हमारे बच्चे, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, ना कोई उनको सम्मान देता है, ना कोई उनको कोई धन मिलता है, ना कोई उनको विवाह के लिए लड़की देने के लिए तैयार है, तो बेचारे वो भी क्या करें। तो इसलिए बहुत विकट समस्या है हमारी वैदिक सभ्यता को बचाए रखने के लिए, हमारी विरासत को बचाना है, इन स्थानों को बचाना है, मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को, धामों को बचाना है। तो इन मंदिरों को और ब्राह्मणों को भी थोड़ा कुछ करना चाहिए हमें, इधर उधर वो कोई गलत उपयोग कर भी ले, अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़े विचार आपके सामने हम रख रहे हैं। वैसे हमने सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें बोलेंगे, भद्राचलम की बात हो रही थी, परंतु उत्सवों की बात जब आई तो मन में सारे विचार आपके सामने हमने रखे। तो इसलिए जैसे हम पहले कह रहे थे, यथाशक्ति थोड़ा कुछ हमें देते रहना चाहिए, और जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं वास्तव में, और हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी हैं, उनसे हमें संपर्क बनाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो, उनको एक प्रेरणा मिले कि भाई हम ये कार्य करते रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। आजकल ऐसे आने वाले सालों में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है कि हमारे क्रियाओं को करने के लिए कोई ब्राह्मण रहेंगे नहीं, जो श्राद्ध करने के लिए, विवाह करने के लिए,
सब कुछ अपने आप मशीन द्वारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा, सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा होता ही है आजकल, ये भी हो जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, श्राद्ध करा लो, शायद एक दिन ये भी हो जाएगा, है ना। तो इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को बहुत मजबूत अपने भक्ति में बनाना है। क्या बहुत कुछ कह गए हम, हरे कृष्णा। तो अभी क्या वी हैव टाइम, वन आवर मोर, तो थोड़ा कीर्तन करें थोड़ी देर के लिए, फिर और कथा करेंगे रामानंद राय के बारे में, ठीक है। अच्छा तो थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, नहीं कथा जारी रखेंगे, कीर्तन अच्छा नहीं लगता लगता है, ठीक है तो कथा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं भद्राचलम की कथा आपको अच्छी लगी हो। तो यदि आपको कभी कुछ समय मिले, अवसर मिले, तो अवश्य जाइए भद्राचलम। जैसे मैंने कहा, मैं भी अब आज तक नहीं जा पाया हूँ, पता नहीं कब जाएंगे। इस यात्रा के शुरुआत में हमने कहा था कि ऐसे स्थान चुने हैं इस साल जाने के लिए कि शायद हम में से अनेक लोग जीवन में कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। हो सकता है थोड़े भक्त आ जाएं, परंतु अनेक भक्त नहीं आएंगे यहाँ। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम निश्चित इन स्थानों में लौट के आएंगे? बहुत है, वाह बहुत बढ़िया। और ऐसे कैसे कितने भक्त हो आप में से जो सोचते हो कि आना तो चाहते हैं परंतु शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि इतने दूर रहते हैं, और जब भारत आते हैं तो इतने स्थानों में जाना होता है। ऐसे विचार वाले कितने कौन से भक्त हैं, हाथ ऊपर कीजिए, देखिए। तो इसलिए हमने सोचा कि भले एक बार क्यों नहीं सही, एक बार सबको इनका दर्शन होना चाहिए इन स्थानों का, और बाद में आप पढ़ सकते हैं इन स्थानों के बारे में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज सुबह है, अच्छा ठीक, तो 10 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर से रामानंद राय के बारे में हम कुछ कहेंगे। और कल हमारे पास समय है यहाँ, तो हम रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद हुआ यहाँ पे कोवूर में, उसकी चर्चा करेंगे। वहाँ पे नदी के उस पार गोष्पद तीर्थ है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था उस घाट में, तो वो भी उस पार है। तो ऐसे कई स्थान हैं यहाँ पे। तो केवल रामानंद राय का परिचय संक्षेप में हम देंगे, उनकी महिमा का गान थोड़ा कुछ कहेंगे, ताकि हम समझें कि उनके और महाप्रभु के बीच में संवाद इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है। तो थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। कथा कीर्तन संग प्रसाद और क्या चाहिए जीवन में। रामानंद राय बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हम सबके लिए। श्री चैतन्य दो पार्षदों में, सबसे निकट पार्षदों में से एक है। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु के अंत्य लीला के समय, हमेशा उनके साथ में रहा करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु के विरह के भाव बहुत ही तीव्र होते गए, तो उनको बहुत वेदना होती थी,
ये वेदना भी साधारण भौतिक वेदना नहीं है, ये दिव्य आनंद के शिखर का एक प्रदर्शन है या परिणाम है। फिर भी उनके विरह को शांत करने के लिए, उनकी वेदना का शमन करने के लिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के साथ में गंभीरा में, जो कि उनका निवास स्थान था, या किसी और स्थान में जहाँ महाप्रभु थे, वहाँ उनसे वो बातें करते, श्रीमद् भागवत के कई श्लोकों का उच्चारण करते, बिल्व मंगल ठाकुर के कृष्ण करणामृत से कुछ श्लोक सुनाते, तो कभी विद्यापति के रचनाओं से, तो कभी चंडीदास की रचनाओं से, कभी रामानंद राय स्वयं अपने जगन्नाथ वल्लभ नाटका या ऐसे अपने ही रचनाओं से कोई श्लोक आदि सुनाते थे, तो कभी नाम संकीर्तन करते थे। इस तरह से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय 24 घंटे प्राय महाप्रभु के साथ में रहते थे। सबसे दो निकट के पार्षद महाप्रभु के, उनमें से एक रामानंद राय। वैसे गौड़ गणोदेश दीपिका नाम का एक ग्रंथ है, कवि कर्णपुर द्वारा रचित। कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के पुत्र हैं। शिवानंद सेन गृहस्थ भक्त थे, महाप्रभु के पार्षद थे वो। जब भक्त लोग यात्रा में जाते थे तो ये सारा खर्च उठाते थे, क्योंकि अधिकांश लोग उतने अमीर नहीं थे कि बहुत खर्च देना होता था वहाँ, तो उन सब के लिए ये सारे खर्च उठाते थे शिवानंद सेन, और सारी व्यवस्था भी देखते। नवद्वीप से लेकर या जहाँ से भी वो आए हों, वहाँ से जब नवद्वीप आते फिर वहाँ से सब लोग मिलके जगन्नाथपुरी जाते। तो शिवानंद सेन के पुत्र थे कवि कर्णपुर, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम है गौड़ गणोदेश दीपिका, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं गौर लीला में, वो कृष्ण लीला में कौन हैं, व्रज में, वृंदावन में, मथुरा में या कहीं और। तो रामानंद राय के बारे में बहुत अद्भुत चीज़ें बताई हैं। अब देखिए, ऐसे जब महान के भगवान के महान पार्षद होते हैं, उनको हम साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। साधारणतः एक शरीर में एक ही आत्मा होती है, मतलब जो उस शरीर के लिए मुख्य आत्मा है। वैसे तो प्राणी बहुत होते हैं, कीड़े और छोटे छोटे कीटाणु तो बहुत शरीर में होते हैं, परंतु मुख्य आत्मा तो एक ही है ना। परंतु ऐसे महान पार्षदों में कभी कभी एक से अधिक भी आत्माएं आ सकती हैं, कोई विशेष कारण से, उस रस का स्वाद लेने के लिए इत्यादि। तो ऐसे सम्मिलित जो रूप हैं वो भी पाए जाते हैं। तो रामानंद राय भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि अर्जुन जो कि पांडव थे, भगवान कृष्ण के मित्र, साथ साथ वृंदावन में भी एक सखा थे अर्जुन के नाम से, अर्जुन सखा, और एक गोपी भी है वृंदावन में जिसका नाम है अर्जुनीय गोपी। तो ये तीनों के सम्मिलित रूप हैं रामानंद राय। साथ साथ में कवि कर्णपुर कहते हैं कि रामानंद राय वास्तव में ललिता सखी हैं। हालांकि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में अधिकांश लोग यही कहते हैं कि रामानंद राय विशाखा देवी हैं, श्रीमती राधा रानी की सखियां हैं ना, दो मुख्य सखियां ललिता देवी और विशाखा देवी। प्रभुपाद जी भी एक जगह तात्पर्य में इसी बात की पुष्टि करते हैं विशाखा की। तो खैर, इस तरह से रामानंद राय कोई साधारण ऐसे जीव नहीं है।
उनके पिता थे भावानंद राय। भावानंद राय वैसे पांडु के अवतार हैं। गौड़ गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि पांडु जो कृष्ण लीला में पांडु थे वो अब गौर लीला में आए भावानंद राय के रूप में। जैसे पांडु के पांच पुत्र थे, यहाँ भावानंद राय के पांच पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे रामानंद राय। और इनकी जाति कोई ब्राह्मण जाति नहीं थी, ये करण जाति के थे, तो इतने ऊंचे जाति के नहीं माने जाते थे उस समय। तो आप जानते हैं कि भारत में समाज काफ़ी कट्टर हुआ करता था और जो विभाजन है जातियों के बीच में वो बहुत कड़े थे। आज भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं ये ऐसे है, परंतु उस समय तो और भी ज़्यादा थे। तो यद्यपि ये इतने तथाकथित निम्न श्रेणी के जाति के थे, फिर भी ये बहुत महान भक्त थे। वैसे महाप्रभु की लीलाओं में हम देखते हैं कि बहुत सारे उनके पार्षद ऐसे रहे हैं जो कि ब्राह्मण कुल के थे, परंतु ऐसे भी बहुत उनके पार्षद थे जो तथाकथित निम्न कुल के थे। जैसे हरिदास ठाकुर, एक यवन परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। और रूप और सनातन गोस्वामी, यद्यपि सारस्वत ब्राह्मण जन्म में कुल में जन्म लिए थे, परंतु एक नवाब का संग निकट से करके लंबे समय तक करके वो प्राय मुसलमान बन गए थे। ऐसे धारणा थी लोगों की उनके बारे में। उनके नाम भी ऐसे ही थे, दबीर खास और साकर मल्लिक। और ऐसे कई थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी, वो तो महाप्रभु के समय नहीं, थोड़े बाद में आए, वो भी ब्राह्मण कुल के नहीं थे। बल्कि वहाँ उस समय नरोत्तम दास ठाकुर के समय एक विद्रोह सा उत्पन्न हो गया, जब कई ब्राह्मण लोग जो हैं उनके शिष्य बने, तो ब्राह्मण समाज में ये उपद्रव मच गया कि ये जो हमारे जाति के नहीं हैं, हमसे निम्न श्रेणी के हैं, ये हमारे जाति के लोगों को कैसे दीक्षा दे सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी घटनाएं उस समय भी हुई थी। तो ऐसे महाप्रभु के पार्षदों में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे, ऐसे भक्त थे, जिनको महाप्रभु ने खास करके भेजा था तथा कथित निम्न कुल में जन्म लेने के लिए, क्योंकि महाप्रभु सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि भक्ति के रास्ते में जन्म का कोई महत्व नहीं है। जन्म अर्थात जाति आदि का, किस जाति में हमारा जन्म हुआ है और कौन सी भाषा बोलते हैं, किस धर्म के हैं, किस प्रांत के रहने वाले हैं, किस देश के हैं, ये सब महत्व की बातें नहीं हैं जबकि भगवान की भक्ति की बात आती है। और हम देखते हैं हमारे संस्था में इस बात की पुष्टि है, और भारत में भी हम देखते हैं कि आजकल कई धामों में जो ब्राह्मण भी किस तरह के कार्य करते हैं। कई वर्षों से मैं एक धाम में रहा करता था, वहाँ मेरी सेवा थी थोड़े सालों के लिए। जो भी गुंडागर्दी के काम थे सारे ब्राह्मण करते थे ज़मीन को हड़प करना, ये करना, वो करना, सब ब्राह्मणों का काम था। ये सब और भी थे, अकेले नहीं थे वो, दूसरे जाति के लोग भी थे, भरपूर थे, ये भी इसमें आगे बढ़े हुए थे, है ना। तो क्या फ़ायदा ऐसे ब्राह्मण बन के, और फिर ब्राह्मण हो के गर्व होता है कि हम ब्राह्मण हैं, आप हमारी जाति के नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं, क्या फ़ायदा। दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे संस्था में बहुत से ऐसे भक्त हुए, आज भी हैं, जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं भक्ति के क्षेत्र में। उनका जन्म किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, भारत में भी नहीं हुआ, हिंदू धर्म में भी नहीं हुआ, लेकिन वो आज कितने आगे बढ़े हैं भक्ति में। तो ये सब चीज़ें महत्व की नहीं हैं। और महाप्रभु जानते थे कि कलयुग में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, क्योंकि कलयुग का लक्षण ही है कि जब ब्राह्मणों का पतन होता है। कलयुग की शुरुआत कब हुई? जब श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ। परंतु वास्तव में जब
शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया परीक्षित महाराज को, तब से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया और उस समय से कलयुग के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। तो वैसे भी इस युग में ब्राह्मण कौन है, जाति से तो कोई, जन्म से तो कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता, आजकल बिरला ही कोई ऐसे मिल जाते हैं अवश्य, परंतु साधारणतः ये परिस्थिति नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने जानबूझकर ऐसे परिवारों में अपने विशेष पार्षदों को जन्म दिलवा दिया ताकि आने वाले पीढ़ियों को पता चले कि जन्म का उतना महत्व नहीं रहता है। तो रामानंद राय भी ऐसे तथाकथित थोड़े निम्न श्रेणी के परिवार के थे, फिर भी बहुत महान थे। और उन अन्य भक्तों के साथ में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में बहुत योगदान किया। भक्ति रत्नाकर में ऐसे बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी के द्वारा नम्रता सारी दुनिया को सिखलाया, हरिदास ठाकुर के द्वारा सहनशीलता सारी दुनिया को उन्होंने सिखा दिया, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा उन्होंने वैराग्य सारी दुनिया को सिखाया, और रामानंद राय के द्वारा उन्होंने कामदेव के मान को भंग किया। क्योंकि रामानंद राय ऐसे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित थे कि उनको कामदेव के तीरों का कभी भी तनक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और इसकी संक्षेप में चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो रामानंद राय को सार्वभौम भट्टाचार्य पहले नहीं पहचान पाए। जब महाप्रभु निकलने वाले थे जगन्नाथपुरी से, जैसे कि हम दो दिन पहले चर्चा कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा था महाप्रभु से कि कृपया आप विद्यानगर में रामानंद राय के नाम से एक व्यक्ति हैं, उनसे मिलिए। मैं भी उनको पहले गलत पहचानता था, उनको वैष्णव ऐसे ही साधारण वैष्णव समझ के मैं उनका मजाक उड़ाता था, क्योंकि उस समय मैं तो मायावादी था, मैं वैष्णव नहीं था, परंतु आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई और मुझे पता चला धीरे धीरे कि ये कितने महान भक्त हैं, न केवल ये बड़े पंडित हैं परंतु साथ साथ में रसिक भक्त हैं, भक्ति रसज्ञ और पांडित्य की सीमा को वो पार कर चुके हैं, तो अवश्य आप इनको मिलिए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनको पहले ठीक से नहीं पहचान पाया। देखिए, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को भी नहीं पहले पहचान पाए कि ये स्वयं भगवान है, तो रामानंद राय को भी नहीं पहचान पाए। अब सार्वभौम भट्टाचार्य तो स्वयं बृहस्पति हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। जब इतने बुद्धिमान होने के बाद भी सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को पहले पहचान नहीं पाए, तो फिर ये स्वाभाविक है कि अनेक लोग उनको पहचान नहीं पाए होंगे, क्योंकि दिखने के लिए तो वो बहुत एक विषयी आदमी जैसे लिखते थे। उनकी वेशभूषा आदि रहन सहन को यदि देखते कोई, और उनका जो पद था, वो राज्यपाल थे, राजा के समान ही थे वो, तो ये सब देखकर यदि कोई व्यक्ति सोचता कि यार ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, तो इतनी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होती। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य चाहते थे कि रामानंद राय की ख्याति बढ़े महाप्रभु के द्वारा, और क्योंकि महाप्रभु का स्वभाव है कि वो अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, भक्तों को श्रेय दिलवाना चाहते हैं हर अच्छे कार्य के लिए, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया था इस प्रकार से महाप्रभु से, ताकि जब महाप्रभु यह आएंगे, रामानंद राय से मिलेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण संवाद होगा दोनों के बीच में, इसलिए तो आज हम लोग रामानंद राय की बात करते हैं। स्वरूप दामोदर की बात भी करते हैं अवश्य, क्योंकि दोनों ही बहुत निकट थे महाप्रभु के, फिर भी
स्वरूप दामोदर के संबंध में ऐसे कोई तीर्थ स्थान नहीं है। यहाँ उनके पीछे एक मठ बना है, स्वयं महाप्रभु यहाँ आए, 10 दिन रहे, रामानंद राय से वार्तालाप किया उन्होंने, तो ये सब जानते थे होंगे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो खैर, इसलिए हमें सोच लेना चाहिए कि रामानंद राय कितने महत्वपूर्ण हुए होंगे। और क्योंकि ये विशाखा देवी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो मंजरी हैं अपने गोलोक वृंदावन में, रूप गोस्वामी हैं, रूप मंजरी, और वो सब तो ललिता सखी आदि सखियों की सेवा करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको जब इतना मानते हैं तो विशाखा सखी जो रामानंद राय हैं उनको कितना हमें मान देना चाहिए। तो खैर, ऐसे बताया जाता है कि उनका जन्म आलालनाथ में हुआ था, जो कि जगन्नाथपुरी के पास में ही है, जहाँ अनवसर के समय महाप्रभु और उनके भक्त भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। और बाद में चल के कोई कहते हैं कि उनका जन्म यहाँ पे विद्यानगर में हुआ था, कोई कहते हैं आलालनाथ में हुआ था, खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ के वो राज्यपाल अवश्य बने। राघवेंद्रपुरी के वो शिष्य थे, राघवेंद्रपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे, ईश्वरपुर चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो यहाँ पर जब आए तो कोवूर में गोष्पद तीर्थ में स्नान करने के बाद फिर महाप्रभु रामानंद राय से बातचीत करने लगे। शाम के समय वो आए यहाँ और 10 दिन शाम के समय आके यहाँ दोनों के बीच में संवाद हुआ। फिर आगे महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और लौट के काफ़ी कई जगह में गए, पंढरपुर से आदि, नासिक आदि जाकर फिर से यहाँ लौटे विद्यानगर में, पुनः एक हफ्ता रामानंद राय के साथ में यहाँ पर रहे। जब पहली बार 10 दिन बीत गए, उसके अंत में जब महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने रामानंद राय से कहा कि अभी आप ये नौकरी, राजा की नौकरी छोड़ दो और मैं जब तीर्थ यात्रा से लौटते हुए यहाँ आऊँगा तो तुम मेरे ही साथ जगन्नाथपुरी लौट आना और केवल मेरे साथ बैठ के भजन करना, हम लोग बैठ के कृष्ण कथा करेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे बस, और कोई दूसरी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो रामानंद राय बहुत प्रसन्न हुए इस प्रस्ताव को सुनकर, वो तो तैयार थे। तो वो फिर आए वापस जब चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर में, तो उस समय रामानंद राय ने उनसे कहा कि आप चलिए, मुझे थोड़ा समय लगेगा आने के लिए, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने, जो कि जगन्नाथपुरी के राजा थे गजपति वंश के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरा देखभाल आज तक किया है और वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे भक्त हैं भगवान के, तो ये एक मर्यादा होनी चाहिए कि मैं उनसे पहले चर्चा करूं, अचानक उनकी नौकरी छोड़कर आपके यहाँ आना ये अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं पहले उनसे बातचीत कर लेता हूँ और यहाँ भी मेरे थोड़े सारे कार्य हैं उनको निपटा लेता हूँ, फिर मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ आपके सान्निध्य को प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी में। तो फिर आगे महाप्रभु चले गए। अब ऐसा भी बताया जाता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संबंध था वो इस प्रकार का संबंध था जैसे वृंदावन में सुबल सखा और श्री कृष्ण का हुआ करता था, तो बहुत ही निकट का संबंध है। जब रामानंद राय आना चाहते थे जगन्नाथपुरी, अपने सारे नौकरी आदि को, ऊंचे पद को छोड़ के, तो सबसे पहले जगन्नाथपुरी आके वो मिले राजा प्रताप रुद्र से और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए समर्पित होना चाहता हूँ, तो मैं ये राज
कि जो नौकरी है ये जिम्मेदारी है उसको मैं त्यागना चाहता हूँ तो कृपया मुझे आप अनुमति दीजिए। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा महाप्रभु की सेवा के लिए जा रहे हो, तुरंत आज से ही प्रारंभ करो और भविष्य की चिंता नहीं करो, आज मैं तुम्हें सेवा से मुक्त करता हूँ। और इतना ही नहीं, जो भी तुम्हें तनख्वाह आज तक मिल रही है उसी को मैं जारी रखूँगा आजीवन, जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हें ये तनख्वाह मिलती रहेगी, हालांकि तुम मेरी सेवा में नहीं रहोगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, ऐसे कितने मालिक हैं जो ऐसे कहेंगे, कोई जाके मालिक से कहेंगे मैं यहाँ कारखाने में नौकरी करता हूँ और मुझे अभी मंदिर की सेवा करने के लिए जाना है तो मुझे अनुमति दीजिए, पहले तो नहीं देते हैं अनुमति, और देंगे भी तो फिर यदि उनसे पूछे कि आप मुझे क्या कुछ मदद करेंगे मंदिर की सेवा के लिए, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, तनख्वाह तो देने की कब किस का सवाल ही नहीं है। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र ने ऐसे कर दिया, क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और महाप्रभु में उनकी बहुत श्रद्धा थी। अब हुआ ये कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आए थे तो वो काशी मिश्र के घर में रहे, जिस वो कमरे का नाम है गंभीरा, राधा राधा कांत मठ के नाम से वो स्थान जाना जाता है आज भी। तो राजा प्रताप रुद्र ने बहुत कुछ सुना था महाप्रभु के बारे में, देखा भी था, और उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति तीव्र श्रद्धा थी और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे, परंतु महाप्रभु उनको मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो बहुत भक्तों ने प्रयास किया, महाप्रभु से निवेदन किया उन्होंने कि प्रताप रुद्र राजा कितने अच्छे भक्त हैं, वो थोड़े समय के आपका के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने मना कर दिया। जब एक बार कई भक्त आए तो उन्होंने कहा एक बार भी ऐसे प्रस्ताव मेरे सामने रखोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाऊंगा। तो सारे भक्त लोग बड़े घबरा गए, सोचने लगे अभी ऐसे कभी बात नहीं करेंगे हम। फिर भी बेचारे राजा प्रताप रुद्र के बारे में चिंता कर रहे थे। राजा प्रताप रुद्र उनसे कहते, क्या महाप्रभु वही भगवान हैं जो एक आदमी को छोड़कर सारी दुनिया के उद्धार के लिए आए हैं? केवल मुझे छोड़ के सबका उद्धार करना उन्होंने ठान लिया है, तो मुझे भी यदि वो मुझे नहीं स्वीकार करेंगे तो मुझे भी कोई रुचि नहीं है इस राज्य में, मैं भी एक फकीर बन के यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहूँगा, मुझे कोई यहाँ रुचि नहीं है राज्य में और इसमें परिवार में सब। तो ये सारी बातें महाप्रभु के कानों तक पहुँचा देते भक्त लोग, फिर भी महाप्रभु नहीं मानते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ऐसी बातें कहीं तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, एक बहुत बड़े पात्र में यदि शुद्ध दूध हो जो कि बहुत स्वादिष्ट है और पौष्टिक है, उसमें एक बूंद भी शराब यदि मिलाया जाए तो सारा दूध खराब हो जाता है, उसका पान नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये प्रताप रुद्र राजा हैं, ये सद्गुणों के भंडार हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण इनमें दिखाई पड़ते हैं, परंतु एक इतना बड़ा दुर्गुण है कि मैं क्या करूं, वो उस एक बूंद के समान है शराब के जो सारे दूध के बड़े पात्र को खराब कर देता है। वो क्या दुर्गुण है कि उनकी एक पदवी है राजा। ये राजा शब्द से मैं दूर रहता हूँ क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, तो ये बड़े बड़े लोगों से जो राजा हैं महाराजा हैं इनसे मैं नहीं, इनके पास में भी नहीं जा सकता। अंदर से महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे राजा प्रताप रुद्र के ऊपर, वो जानते थे कि कितने भक्त अच्छे भक्त हैं, परंतु वो एक उदाहरण देना चाहते थे सारी दुनिया को कि एक सन्यासी को जाके केवल अमीर लोगों के पास चापलूसी नहीं करनी चाहिए, एक सन्यासी को अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखना चाहिए।
ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए उन्हीं की बात माने, उन्हीं की सेवा करें, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ऐसे संग से मन या चित्त जो है कभी प्रभावित हो सकता है। तो महाप्रभु का विचार इस प्रकार से था। तो फिर आखिर रामानंद राय जब आए और सारे भक्तों ने और स्वयं महाराज प्रताप रुद्र ने भी रामानंद राय से शिकायत की या निवेदन किया कि आप हो सकता है तो कुछ करके देखिए, हम सब ने कोशिश कर ली लेकिन महाप्रभु ऐसे हमें कह रहे हैं कि छोड़ के चले जाएंगे। अब आपका जो संबंध है महाप्रभु के साथ वो तो बड़ा विशेष है, इसलिए आप प्रयास करके देखिए, शायद वो आपकी बात मान जाएं और राजा प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा कर दें। तो महाराज रामानंद राय बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने सोचा कि सीधे जाके बात कहना महाप्रभु से कि आप मिलिए वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी महाप्रभु ने अपने विचारों को तो व्यक्त किया ही है। तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो महाप्रभु के हृदय को वो कोमल बना के, नरम बना के उनकी स्वीकृति के लिए कोशिश कर रहे थे। वो बीच बीच में ऐसे महाराज प्रताप रुद्र की प्रशंसा करते, जैसे बातों में कुछ कह देते। अगले दिन जब आए और दो चार बातें ऐसे कुछ कह देते। ऐसे कई दिन बीत गए तो रामानंद राय ऐसे बार बार कुछ ऐसे एक ना एक कोई अच्छी बात महाराज के बारे, प्रताप रुद्र के बारे में बोलते गए कि उनकी श्रद्धा वो कितनी तीव्र है, कितने निष्ठावान हैं, भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं, और हे महाप्रभु आपके अंदर उनकी कितनी श्रद्धा है। ऐसे धीरे धीरे से कई दिनों तक ऐसे जब बोलते रहे तो महाप्रभु का हृदय थोड़ा पिघलने लगा। पर एक बार रामानंद राय ने सीधे से बात कह ही दी, तब फिर महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, देखो मैं केवल एक समाज में अच्छा उदाहरण रखना चाहिए इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं, महाराज प्रताप रुद्र के गुणों को मैं जानता हूं, तो ऐसे करते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है कि पिता पुत्र के रूप में जीता है, इस दृष्टि से पिता और पुत्र के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, तो मैं राजा को नहीं मिलूंगा परंतु राजा के पुत्र को मेरे पास ले आओ, वो छोटा लड़का था तो उसको मेरे पास ले आओ। वैसे स्वरूप दामोदर आदि उन्होंने भी महाप्रभु के कौपिन महाप्रसाद आदि राजा को दिए थे, तो ऐसे सब उन्हें उपहार मिलते रहे महाप्रसाद के, तो उनकी उत्कंठा तो और बढ़ती गई कि कब संग होगा, कब मिलेगा हमें महाप्रभु का संग। तो अब ये प्रस्ताव जब आया महाप्रभु से कि उनके पुत्र को भेजो तो पुत्र के द्वारा उनको महाप्रभु का संग मिल सकता, तो उनका पुत्र गया महाप्रभु के साथ। महाप्रभु ने देखा कि ये तो बहुत आकर्षक लड़का है, कृष्ण की तरह दिखता है, तो आलिंगन किया। इस प्रकार से अपने पुत्र के माध्यम से, राजा के पुत्र के माध्यम से उन्होंने राजा को कृपा प्रदान की, और ये हुआ केवल रामानंद राय के वजह से। तो रामानंद राय वहाँ फिर रहने लगे। महाप्रभु सबसे और क्यों, जो सबसे बड़ी बात क्या थी महाप्रभु के हृदय को पिघलाने के लिए, कि महाराज प्रताप रुद्र ने रामानंद राय को सेवा मुक्त कर दिया है और तनख्वाह भी पूरी दे रहे हैं। मेरे निकट के भक्त के लिए महाराज प्रताप रुद्र ने ऐसे किया तो ठीक है, मेरा हृदय जीत लिया उन्होंने। तो रामानंद राय जगन्नाथपुरी में रहने लगे, काफ़ी निकट से महाप्रभु के साथ में ही रहते थे। तो एक बार एक व्यक्ति आए, एक ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा मैं योग्य नहीं हूँ कृष्ण कथा सुनाने के लिए, लेकिन आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हो तो आप रामानंद राय के पास जाओ,
तो फिर वो चले गए रामानंद राय के घर में। अब रामानंद राय वो उन्होंने एक नाटक की रचना की थी, जगन्नाथ वल्लभ नाटका, और उस नाटक के अनुसार वो उन्होंने कोई भूमिकाएं थी अंदर गोपियों की, और गोपियां किस तरह से कुछ सेवा कर रही थी उसके बारे में कुछ वर्णन था। तो ये केवल लगभग एक 80-90 साल पहले ये देवदासियों की प्रथा सरकार ने समाप्त कर दी, परंतु इसके पहले हुआ ये करता था कि ऐसे कन्याएं हुआ करती थीं जो जगन्नाथ भगवान को समर्पित थीं। ऐसे माना जाता था कि जगन्नाथ भगवान से उनका विवाह हो गया है और वो जगन्नाथ के सामने आके नृत्य करती, कीर्तन करती। तो ऐसे दो कन्याओं को वो तैयार कर रहे थे एक नृत्य और नाटक के लिए, जो कि भगवान जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत किया जाना था, और सारे उनको वो गीत सिखा रहे थे, शरीर का उनका स्पर्श भी कर रहे थे, और तरह तरह के उनके कपड़े पहनाना, किस तरह से मुद्राएं होनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए इत्यादि वो सब उनको सिखा रहे थे। अब ये ब्राह्मण तो वहां पहुंच गए, रामानंद राय व्यस्त थे उस समय, तो उनके सेवक ने कहा कि अभी वो थोड़े बहुत व्यस्त हैं तो कृपया थोड़ी राह देखिए, जब वो कार्य समाप्त कर लेंगे तो आपसे मिलेंगे। अब राय रामानंद को पता नहीं था कि बाहर ये राह देख रहे हैं उनकी। तो जब तक उनका कार्य समाप्त हो गया, उन दो कन्याओं को उन्होंने तैयार किया था वो कार्य के लिए, काफ़ी देर हो चुका था। फिर उन्हें खबर मिली कि ये आपकी राह देख रहे हैं, तो उनको बुलाया, अरे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरी राह देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे कृष्ण कथा में सुनना चाहता था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है तो आज नहीं हो पाएगा, हम और किसी दिन आएंगे। तो वो चले गए। जब महाप्रभु से दोबारा मिलने आए तो महाप्रभु ने पूछा, कोई कृष्ण कथा सुने कि नहीं रामानंद राय से? तो फिर उन्होंने कहा, नहीं सुनने का मौका तो नहीं मिला, वो व्यस्त थे, लेकिन मेरे मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये इतने बड़े भक्त हैं तो फिर ऐसे दो कन्याओं के साथ इस तरह का संबंध वो रख रहे हैं, उनको उस नृत्य के लिए आदि तैयार कर रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बिठाया और कहा, देखो रामानंद राय छोड़कर कोई और होता ना तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता, कोई भी और होता तो मैं मान लेता कि उसके लिए उचित नहीं है, कुछ ठीक नहीं है ये, परंतु रामानंद राय ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति भी नहीं है। वैसे यहाँ संसार में देखा जाता है कि पुरुषों का आकर्षण स्वाभाविक रूप से स्त्री के प्रति होता है। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे उस व्यक्ति से कि स्त्री शब्द सुनकर ही मन में विकार होने लगता है, मेरे मन में भी विकार होने लगता है, ऐसे महाप्रभु कहने लगे। वैसे नहीं तो हो रहा था, लेकिन ऐसे कह रहे थे वो। एक पुतली भी देखते हैं तो मन में विकार आने लगते हैं, सूक्ष्म क्यों ना हो, परंतु ये रामानंद राय ऐसे हैं, उनके मन में तनिक भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, पूरी तरह से वो उस आध्यात्मिक स्तर में स्थित हैं जहाँ कि उनको देहात्म बुद्धि बिल्कुल नहीं है, कोई फर्क नहीं देखते हैं। वो इन कन्याओं को केवल गोपियों के समान देखते हैं और अपने आप को भी गोपी मानकर ही वो समझते हैं। तो अगले दिन जब फिर उनका हौसला बढ़ा, उनकी श्रद्धा बढ़ी रामानंद राय में, फिर वो ब्राह्मण फिर से कई दिनों के बाद रामानंद राय के पास गए और उनसे कृष्ण कथा उन्होंने सुनी और बिल्कुल विस्मित रह गए। रामानंद राय ने जब कृष्ण कथा करना प्रारंभ किया तो ऐसे उनके मुख से कृष्ण कथा निकल रही थी जैसे गौमुख से, गंगोत्री से गंगा बहती हैं, वैसे अमृत प्रवाह रामानंद राय के मुख से होने लगा, और
ऐसे सिद्धांतों का वर्णन कर रहे थे देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि ये कितने महान भक्त हैं। और अंत में भी अंत लीला के समय, जैसे मैं पहले संक्षेप में कह रहा था, वो साथ में रहे महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का के तीन भाग हैं, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला संन्यास लेने तक की लीला है। जब संन्यास लेते हैं फिर मध्य लीला प्रारंभ होती है, और उसके बाद जब संन्यास लिया महाप्रभु ने तो उनकी आयु 24 वर्ष की थी। तो उस संन्यास लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी आए और इन 6 वर्षों में उन्होंने काफ़ी कुछ भ्रमण भी किया। थोड़े समय जगन्नाथपुरी में रहे, फिर दक्षिण भारत की यात्रा में गए, फिर लौट के आए, फिर से बंगाल गए वृंदावन के जाने के नाम से, फिर रामकेली कनाई नाटशाला से वापस लौट के आए रूप और सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा करके, फिर वो चले गए वृंदावन की ओर दोबारा, और वृंदावन से फिर लौटते वक्त वाराणसी प्रयाग आदि होकर आए। तो काफ़ी कुछ भ्रमण करते थे इन 6 सालों में संन्यास लेने के बाद 30 साल की आयु तक। तो ये है मध्य लीला। और फिर उसके बाद में 31वें वर्ष से उनकी अंत लीला प्रारंभ हुई। 48 वर्षों तक महाप्रभु की प्रकट लीला हुई। इन 18 वर्षों में उनके अंतिम थोड़े जो साल हैं वो शेष लीला कहलाते हैं। अंत लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु इतना भक्तों से और बाहर जनता से नहीं मिलते थे। मध्य लीला में वो तो सब जगह जाके सड़कों पे जाते थे, सबसे मिलते थे, प्रचार खूब करते थे। जैसे दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान हमने सुना कि सड़कों पे जाके कीर्तन करके सबको वैष्णव बनाते थे और उत्सवों में शामिल होते थे, सबसे बातें करते थे, प्रचार करते थे। परंतु जब अंत लीला प्रारंभ हुआ तो ये सब कम हो गया। अब वो अधिक से अधिक अपने अंदर ही प्रवेश करने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अभी अपने कृष्ण नाम लेने में बिताते थे और कृष्ण लीला की चर्चा करते हुए रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि के साथ में। तो ये 6 सालों तक चलता रहा। फिर भी थोड़ा बहुत अन्य लोगों से संबंध रहता था, परंतु बाद के जो साल थे, जो शेष लीला थी, उसमें तो प्राय महाप्रभु अपने अंदर ही रहे और इतने प्रेमावेश में आ जाते थे कि कोई ठिकाना नहीं रहता कि वो क्या करेंगे, कब करेंगे। सारे भक्त लोग बहुत ही चिंतित थे कि अगले क्षण महाप्रभु क्या करेंगे, उसका भरोसा नहीं, क्या होगा उनका। कभी इतने ऊंची छलांग मारते थे और धड़ाक से गिर जाते थे तो भक्तों को लगता था कि कहीं उनकी हड्डी टूट ना जाए। कभी उनके शरीर में ऐसे विकार आ जाते थे प्रेम के फल स्वरूप कि ऐसे लगता था कि उनका शरीर टूट जाएगा। तो ऐसे सब देखकर भक्त लोगों को बहुत डर होने लगा। कभी कभी महाप्रभु अकेले कहीं चले जाते थे। एक बार वो ऐसे ही समुद्र के तट पे थे जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने सोचा कि समुद्र यमुना है, तो यमुना समुद्र में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। और सारे भक्त लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे कि महाप्रभु गए कहाँ। और फिर स्वरूप दामोदर ने खोज की, पार्टियां दल बनाए, सब लोग यहाँ वहाँ फैल गए। आखिर बहुत नीचे कहीं समुद्र के तट पे किसी मछुआरे ने अपने जाली में महाप्रभु को पकड़ लिया था। तरंगों से के साथ बहते हुए वो कहीं चले गए। वहाँ एक मछली पकड़ने वाला था, उसने सोचा कि इतनी बड़ी मछली कहाँ से आ गई, और देखा कि अरे ये तो व्यक्ति है कोई, और वहाँ पे ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं लग रही। इतने वैसे भी महाप्रभु 7 फुट लंबे थे, उनकी ऊंचाई 7 फुट की थी। और जब अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते थे, उनके शरीर का ऐसे परिवर्तन हो जाता था कि कोई साधारण व्यक्ति देख के ही घबरा जाता उनको, और कोई व्यक्ति स्पर्श करता तो बस
वो भी उनकी तरह ही उन्मत्त हो जाता भगवत प्रेम में। तो जब स्वरूप दामोदर के पास एक भक्त आए जो कि ढूंढने गए थे महाप्रभु को, वो कहने लगे हम एक जगह गए थे, वहाँ एक मछुआरा था, वो पागल की तरह बात कर रहा था। मैं क्या कह रहा था? वो केवल कृष्ण कृष्ण कह रहा था। तो चलो वहीं जाते हैं, वहीं महाप्रभु होंगे, हाँ वहीं मिलेंगे महाप्रभु। तो सब वहाँ चले गए और वास्तव में देखा कि ये मछुआरा अनाप शनाप कुछ बोल रहा है, कृष्ण क्या नाच रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, किसी को पता नहीं क्या कर रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने उनको संभाल लिया, लेकिन फिर भी कुछ इतना उत्तेजित था ये, तो स्वरूप दामोदर को थोड़े थप्पड़ मारने पड़े उनको, तब जाके वो थोड़ा शांत हो गया। वो बताया, बताओ हुआ क्या, ऐसी मछली मैंने जन्म में कभी पकड़ी नहीं है, नहीं पकड़ी है, कौन सी दिखाओ हमें मछली कौन सी है। तो देखे तो महाप्रभु है वहां पे, और फिर सारे भक्तों ने उनके कानों में महामंत्र का कीर्तन किया, तब बाह्य चेतना में धीरे धीरे से आ गए और कहने लगे अरे मैं तो इतने अच्छे स्मरण में था, लीला में था, और आप लोग मुझे कहाँ ले आए, यहाँ पर क्यों ले आए मुझे आप। तो ऐसी घटनाएं होती थी। उनके साथ में भी कोई लोग जाते कभी समुद्र के तट पे, तो कोई रेती के छोटे से पर्वत को देखकर उसे गोवर्धन समझते और गोवर्धन गोवर्धन कह के भागने लगते उस बालू के ऊपर। और महाप्रभु की तरह तेज कोई नहीं भाग सकता था, और आप जानते हैं कि बालू पे दौड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए भक्त लोग बहुत चिंतित होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि महाप्रभु को रात रात के समय महाप्रभु को बंद कर दिया अंदर से, बाहर से तीन तीन दरवाजे थे ताकि महाप्रभु बाहर निकल नहीं सके, गंभीरा में एक, उसके बाहर और एक, उसके बाहर और एक, ऐसे तीन दरवाजे बंद हुआ करते थे। फिर भी चमत्कार ये हुआ कि महाप्रभु बाहर कहीं, और इनको पता नहीं चलता था कि ये दरवाजे बंद होकर भी बाहर कैसे आ गए महाप्रभु। परंतु महाप्रभु को थोड़े कोई ताले और दरवाजे रोक सकते हैं। उसी प्रकार से कोई इंसान भी हो तो उसको कोई संसार की वस्तु रोक नहीं सकती है ना। जब वो भगवान की भक्ति करना चाहता है तो संसार की कोई वस्तु रोक नहीं सकती है उसको। तो ऐसी जब अवस्था थी तो सारे भक्त लोग सोच रहे थे क्या किया जाए। तब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर रात भर भी उनके साथ में रहा करते थे, और फिर बिल्व मंगल, विद्यापति, चंडीदास, भागवतम, ऐसे ग्रंथों से, रचनाओं से वो श्लोक बोलते थे। महाप्रभु अचानक रामानंद राय को पकड़ लेते थे, कहाँ है कृष्ण बताओ, कहाँ चले गए कृष्ण। तो उस समय पे रामानंद राय कोई और श्लोक कहते, तब महाप्रभु थोड़े शांत हो जाते। फिर अचानक थोड़ी देर बाद और कुछ अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते, फिर स्वरूप दामोदर कुछ और कहते। तो इस तरह उनकी शेष लीला बीती, और फिर 48 वर्ष प्रकट लीला के बाद महाप्रभु का तिरुभाव हुआ। तो रामानंद राय विशेष करके महाप्रभु के अंत लीला में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य लीला के समय वो आए और अंत तक फिर वो रहे। तो यहाँ पे कोवूर में महाप्रभु के साथ उनका संवाद हुआ, जैसे मैंने पहले कहा 10 दिन तक। और इसमें सारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे सिद्धांत हैं, जो तत्व हैं, गूढ़ तत्व हैं, वो इस संवाद में पाए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था, ज्ञान के प्रारंभिक अवस्था से लेकर सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर, ज्ञान के, भक्ति के ज्ञान के शिखर तक महाप्रभु रामानंद राय को ले गए। वैसे हम इस संपूर्ण संवाद की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो इतने ऊंचे स्तर के विषय हैं कि इनकी चर्चा करना उचित नहीं है। परंतु जहाँ तक संभव हो वहाँ कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो कल के दिन हम ये करेंगे। हाँ, अवश्य गोदावरी में सैर करने के लिए भी जाएंगे, परंतु ये कल की चर्चा होगी। और कल शाम को हो सके तो
परसों जिन स्थानों में हम जाने वाले हैं अंतर्वेदी आदि, उनके बारे में भी थोड़ी कथा हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील रामानंद राय की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।